स्वागत है जी ठंडा पंजाब पंजाबी चैनल से। असी कर रहे हैं मास्टर कैडर की तैयारी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी दियां खंडी धुनियां किन्नियां हन? पांच, सात, तीन, दो। तो पंजाबी दियां खंडी धुनियां हन दो। शब्द शक्तियां किस संप्रदाय का आधार हैं? रास्ता धुनि का, अलंकार का, रीति का। तो शब्द शक्तियां किस संप्रदाय का आधार हैं? धुनि का। वाकात्मक बनतर आखते हैं वाक विच शब्दों की जड़त नूं, वाक विच अर्थां की जड़त नूं, वाक विच धुनिया की जड़त नूं, उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। तो इसका है वाक विच शब्दों की जड़त नूं। वाक का उद्देश आउंदा है वाक दे रंभ विच, वाक दे मध्य विच, वाक दे अंत विच, वाक विच किधरे भी नहीं। तो वाक का उद्देश आउंदा है वाक दे रंभ विच। गग्गा ते घग्गा नाल अंकित होने वाली धुनिया के उच्चारण विच सांझ, डकवे व्यंजन होने की नादी अलप प्रांत धुनिया की सुर उच्चारण की कोई भी ठीक नहीं। तो ग ते क जड़े हैं वो सुर उच्चारण की है। जी बी सिंह की रचना है गुरमुखी लिपि का इतिहास, गुरमुखी लिपि का जन्म ते विकास, पंजाबी भाषा का विकास, भाषा विज्ञान, पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि। तो जी बी सिंह की रचना है गुरमुखी लिपि का जन्म ते विकास। भाषा, भाषा की है? एक संचार का माध्यम है भाषा। तो भाषा है समाज का पछाण चिन्ह, समाज की प्रवृत्ति, सभ्याचार का बदल, सभ्याचार का विकास। तो भाषा है समाज का पछाण चिन्ह। भाषा ग्रहण की जाती है परिवार विच्चों, माँ कोलों, समाज विच्चों, विरसे विच्चों। तो भाषा ग्रहण की जाती है समाज विच्चों। भाषा विज्ञान का खेत्र है इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, इन्हां विच्चों कोई नहीं। तो भाषा विज्ञान का खेत्र जो है इन्हां विच्चों कोई नहीं है। अगे है रूप ग्राम है शब्द, भाषा की अर्थहीन इकाई, भाषा की सार्थिक इकाई, इन्हां विच्चों कोई नहीं। तो रूप ग्राम है भाषा की सार्थिक इकाई। प्राकृतिक भाषा है अनार्य, आर्य, दार्दिक, ईरानी। तो प्राकृतिक भाषा है आर्य। तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा किस वर्ग दियां धुनियां हन? मूर्धनी, होटी, तालवी, दंती। ता, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा दंती हन। पंजाबी दे व्यंजन हन 29, 26, 35, इन्हां विच्चों कोई नहीं। ता पंजाबी दे व्यंजन हन 29। लाग ते पैरोल संकल्प है शैली विज्ञान का, भाषा विज्ञान का, अर्थ विज्ञान का, आलोचना शास्त्र। तो लाग पैरोल संकल्प हैं भाषा विज्ञान का। किहड़ा जुट जसवंत सिंह नेकी दी रचनावां का नहीं है? तेना विचों ससा,
जिहड़ा है कवल जसवंत सिंह निक्की दा नहीं है। भाषा विज्ञान का अंग है अर्थ प्रबंध टीका व्याकरण शैली तो भाषा विज्ञान का अंग है व्याकरण। ज्ञानी शब्द के अर्थ अर्थां विच है अर्थ संकोच अर्थ विस्तार अर्थ अपकर्ष अर्थ उत्कर्ष। तो ज्ञानी शब्द के अर्थां विच है अर्थ अपकर्ष। ध्वनि परिवर्तन का कारण है ध्वनि निजम उचेच सुभाविकता असुभाविकता। तो ध्वनि परिवर्तन विच दा कारण है ध्वनि निजम। पप्पा फफा बब्बा पब्बा किस वर्ग दियां ध्वनियां हन? पप्पा जिवें बोलन तो ही पता लगता है कि आपस विच बोले जिहड़े हन उह जुड़ रहे हन। ते पप्पा फफा पब्बा पब्बा होठी हन होठी ध्वनियां हन। पंजाबी दे स्वर हन तीन पांच दस तेरह ते पंजाबी दे स्वर हन दस। तो अगर तुहानू पूछ लिया जाए कि पंजाबी दे स्वर वाहक किन्ने हन तो फिर असी तीन लिखांगे वो किहड़े किहड़े हन ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी। अगर स्वर वाहक पूछ ले जानते तो अगर स्वर कल्ले पूछे जानते दस। हाँ जी अगे है वाक विच विशेषण आंदा है नाव तो पहला नाव तो बाद नाव तो पहला ते बाद कोई भी ठीक नहीं। तो वाक विच विशेषण आंदा है ध्यान रखना नाव तो पहला। भाषा की छोटी तो छोटी अर्थ रहित इकाई है शब्द अक्षर रूपग्राम ध्वनिग्राम। तो भाषा की छोटी तो छोटी अर्थ रहित इकाई है ध्वनिग्राम। सरकारी कामकाज की भाषा नू कहंदे हन राजभाषा राष्ट्रीय भाषा टकसाली भाषा संविधानिक भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा नू राजभाषा। समास हुंदा है किरिया दो शब्दों का जोड़ धातु किरिया विशेषण ते समास हुंदा है दो शब्दों का जोड़। याद रखना दो दो सस्से दो शब्दों का जोड़। महाप्राण ध्वनि नहीं है गग्गा हा हा कग्गा खखा ते महाप्राण ध्वनि नहीं है हा हा। स्वर ध्वनियां हुंदियां हन स्वर ध्वनियां तुहानू पता ही है कि जो मूँह दे किसी भाग नाल नहीं टकरांदियां उही स्वर ध्वनियां हुंदियां हन जो बिल्कुल बिना टच किते बाहर आंदियां हन। स्वर ध्वनियां जो मूँह दे किसी भाग नाल नहीं टकरांदियां। ध्वनि परिवर्तन है अचेत हुंदा है सुचेत हुंदा है भाषा विज्ञानी राही हुंदा है भाषा दे अंदरूनी कारना करके हुंदा है। ध्वनि परिवर्तन भाषा दे अंदरूनी कारना करके हुंदा है। ससा पाली भाषा है आर्य ईरानी अनार्य दार्दिक। तो पाली भाषा है आर्य भाषा। भाषा विज्ञान का अंग है लिपि। पंजाब दे दो पंजाबी दे होठी व्यंजन केड़े हैं होठी देखो केड़े हैं जिन्हां नूं बोल के दोनों जिहड़े होंठ है आपस विच जुड़ते हैं बब्बा कग्गा। बब्बा ते जुड़ता है पर कग्गा नहीं जुड़ता। पब्बा पब्बा ते जुड़ता है पर नन्ना नहीं जुड़ता। फफा
इन्हां चों भी नहीं जुड़दा। पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा तां सस्सा जिहड़ा है वो ठीक है। ढकवें व्यंजना की गिनती है 10, 15, 12, 19 तां ढकवें व्यंजना की गिनती है 15। पंजाबी वाक की तरतीब है कर्ता कर्म किरिया, कर्ता कर्म किरिया। पंजाबी वाक की तरतीब है कर्ता कर्म किरिया। तो हाँ जी बच्चे, ऐसी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न। वीडियो चंगी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब तो शेयर जरूर करना।